हेलो गाइस, आई पी के चौधरी वेलकम्स यू ऑल टू अवर यूट्यूब चैनल क्रिएटिव स्टडी ए के। सो गाइस, आज हम सेकंड लेक्चर कर रहे हैं हमारा स्टीरियो केमिस्ट्री का, जो कि सेकंड यूनिट है हमारी फर्स्ट सेम की। ओके, सो हमने लास्ट वीडियो में क्या क्या डिस्कस किया था, पहले वो थोड़ा सा क्विक रिविज़न कर लेते हैं कि हमने क्या क्या किया था। सबसे पहले देखो, हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि जो हमारे पास क्या है, व्हाट इज स्टीरियो केमिस्ट्री। ठीक है, स्टीरियो केमिस्ट्री की डेफिनेशन हमने देखी थी। उसके बाद हमने डिस्कस किया था स्टीरियो आइसोमर्स, स्टीरियो आइसोमर्स। फिर हमने उसके जो दो टाइप थे स्टीरियो आइसोमर के, वो डिस्कस किए थे। ओके, दोनों टाइप हमने डिस्कस करने के बाद फिर हमने डिस्कस किया था कि टाइप ऑफ कॉन्फिग्रेशनल आइसोमर्स, जो कि ऑप्टिकल और जियोमेट्रिकल आइसोमर थे। ओके, टू टाइप्स के फिर वो हमने डिस्कस किए थे। उसके बाद हमने 3D डायमेंशन में रिप्रेजेंटेशन सीखा था कि हम 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर को 2 डायमेंशन स्ट्रक्चर में कैसे शो कर सकते हैं। ओके, ये चीज़ें हम लास्ट जो फर्स्ट हमारा जो लेक्चर था वो हम उसमें कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके पहले वो ज़रूर देखें। और वन मोर थिंग, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस अच्छी लगे तो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। सो गाइस, अब हम नेक्स्ट आगे मूव करते हैं। जो आज हम करने वाले हैं वो है हमारे पास व्हाट इज कन्फर्मेशन। ओके, व्हाट इज कन्फर्मेशन। अब देखो, आगे हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ कन्फर्मेशंस जो हमारे बनाते हैं अलग अलग। ठीक है, सबसे पहले देखो हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज कन्फर्मेशन। कन्फर्मेशन होता क्या है, उसकी डेफिनेशन। तो कन्फर्मेशन हमने पीछे देखा था कि स्टैगर्ड और वो स्ट्रक्चर्स बनते हैं। तो कन्फर्मेशन क्या होता है कि जो डिफरेंट अरेंजमेंट्स हमारे पास बनते हैं, इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ अरेंजमेंट बनते हैं, अगर हम किसी भी एक एटम को क्या करें या मॉलिक्यूल को क्या करें, रोटेट करते हैं। तो रोटेट करेंगे, एक बार मैंने 30 पे कर दिया, फिर 60 पे, फिर 90 पे, 180 पे, 360 पे। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट क्या बनेंगे, स्ट्रक्चर्स बनेंगे। जो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बनते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स हमारे पास बनते हैं, उसको हम बोलते हैं कन्फर्मेशंस। क्या बोलते हैं, कन्फर्मेशंस। समझ आ गया। तो कन्फर्मेशन की अगर हमें डेफिनेशन देनी है तो हम कैसे देंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ द एटम इन स्पेस विच रिजल्ट थ्रू द रोटेशन अबाउट सिंगल बॉन्ड। यानी वही चीज़ है कि हमारे जो इनफाइनाइट नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स हैं किसी भी एटम के स्पेस के अंदर, कब, जब हम उसको रोटेट करेंगे सिंगल बॉन्ड से, यानी जो सिंगल बॉन्ड वो बना रहा है उस पे से क्या करेंगे, उसको रोटेट करना स्टार्ट करेंगे, तो उसके जो डिफरेंट डिफरेंट हमारे पास स्ट्रक्चर्स बनेंगे उसको हम बोलते हैं कन्फर्मेशंस। समझ आ गया। ओके, ये थी छोटी सी डेफिनेशन। अब हम नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इवन वेरी वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, कन्फर्मेशन ऑफ इथीन। इथेन, इथेन में क्या करेंगे, देखो इथ का मतलब दो कार्बन और एन का मतलब सिंगल बॉन्ड। ठीक है, तो ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। अब इसके स्ट्रक्चर्स करेंगे कि अगर हम इथेन को क्या करेंगे, रोटेट करेंगे, तो क्या क्या हमारे स्ट्रक्चर्स बनेंगे, कौन सा ज़्यादा स्टेबल होगा, कौन सा कम स्टेबल होगा, वो चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। ध्यान से करना, क्योंकि यही टॉपिक, पहले हम इथेन करेंगे, फिर प्रोपेन करेंगे, फिर ब्यूटेन करेंगे, तो वही चीज़ें आएंगी बार बार, तो आप थोड़ा सा ध्यान से इसको करना। सबसे पहले देखो, नॉर्मल सी बात है, क्या करें हम, इथेन कर रहे हैं तो इथेन का जो फॉर्मूला होता है CH3CH3, दो कार्बन होते हैं। ओके, अब इसमें हम क्या करेंगे कि देखो CH3 है और CH3 है, तो एक कोई भी मिथाइल है ना, उसको फिक्स रखेंगे, इसको मैंने फिक्स रखा और इसको क्या करेंगे हम, रोटेट करेंगे। ठीक है, इसको हम रोटेट करेंगे, इसको मैंने फिक्स रखा। समझ आ गया। फिर ध्यान क्या देना है कि जितनी भी कन्फर्मेशंस हमारी बनेंगी, डिफरेंट डिफरेंट जो स्ट्रक्चर्स बनेंगे,
जो बेसिक स्ट्रक्चर है, यानी हमेशा दो कार्बन ही प्रेजेंट होंगे हर स्ट्रक्चर में। जो बॉन्ड एंगल है वो भी सेम रहेगा और बॉन्ड लेंथ है वो भी सेम रहेगा। यानी जो हमारा इथेन है उसके जितने मर्जी स्ट्रक्चर्स बना लो आप, 60 पे, 30 पे, 90 पे, किसी भी एंगल पर हम क्या करें उसको रोटेट करेंगे किसी भी एंगल पर, तो अलग उसकी क्या बनेगी, कन्फर्मेशन अलग बनेगी। लेकिन जो बेसिक प्रॉपर्टीज़ है लाइक स्ट्रक्चर, बॉन्ड एंगल, बॉन्ड लेंथ, वो सारी क्या रहती है, सेम रहती है, वो चेंज नहीं होती। अब ये नहीं है कि पहले तीन कार्बन, दो कार्बन है, फिर तीन आ गए, फिर चार आ गए, ऐसे नहीं होता। ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी है, ओके। अब उसके बाद देखो नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, जितने भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ हमारे पास कन्फर्मेशंस आते हैं अगर हम उसको बार बार रोटेट करते जाएंगे तो, लेकिन जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो दो ही हैं जो हम लास्ट लेक्चर में भी पढ़ चुके हैं, स्टैगर्ड और एक्लिप्ड, ओके। ये दोनों कन्फर्मेशंस जो सबसे ज़्यादा स्टेबल होते हैं, ये आपको याद रखने हैं नाम, ओके। अब देखो स्ट्रक्चर्स हम बना रहे हैं, डायग्राम बनाएंगे, एक एनर्जी लेवल डायग्राम है, ओके, कि कौन से एनर्जी पर, कौन से एंगल पर कौन सा बनेगा और कौन सा ज़्यादा स्टेबल होगा। तो देखो सबसे पहले क्या है, एक्स एक्सिस के अलोंग मैंने क्या ले लिया, एंगल्स ले लिए, एंगल ऑफ रोटेशन, जिस एंगल से मैं अपने किसको, इथेन को रोटेट करवाऊंगी, ठीक है। उसके बाद है पोटेंशियल एनर्जी, वाई एक्सिस पर मैंने पोटेंशियल एनर्जी ले ली, समझ आ गया गाइस। अब इनिशियली देखो, इनिशियली यानी जीरो पर क्या है, एक्लिप्ड है, क्या है, एक्लिप्ड। एक्लिप्ड आपने कन्फर्मेशन पढ़ी थी लास्ट वीडियो में, ये होती है एक्लिप्ड की कन्फर्मेशन। इसको अब मैं डिटेल में नहीं करवाऊंगी क्योंकि टाइम बहुत लग जाएगा। अगर आपको नहीं पता कि स्टैगर्ड कौन सी होती है, एक्लिप्ड कौन सी होती है, तो लास्ट वीडियो जरूर देखना, उसमें अच्छे से समझ आ जाएगा। अब देखो फर्स्ट में क्या है, एक्लिप्ड, फिर मैंने उसको रोटेट किया 60 पे, ठीक है, क्या बन गई, स्टैगर्ड बन गई, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, 120 पे रोटेट किया, 120 पे रोटेट किया तो क्या आ गई, एक्लिप्ड आ गई, फिर स्टैगर्ड, फिर एक्लिप्ड, स्टैगर्ड, एक्लिप्ड, ऐसे मेरी क्या बनेगी, एक पैटर्न बन जाएगा जैसे उसको रोटेट करेंगे, ठीक है। इतना समझ आ गया, एक्लिप्ड ये क्या है, स्टैगर्ड है, ये एक्लिप्ड है, ओके। उसके बाद देखो यहाँ एक्लिप्ड क्यों लिख दिया, क्योंकि बार बार स्ट्रक्चर्स नहीं बनाए। उसके बाद जो हमारा सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, यानी एक्लिप्ड और स्टैगर्ड में ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि क्यों, कौन सा स्टेबल होता है और क्यों होता है, तो ज़्यादा स्टेबल कौन सा है, स्टैगर्ड, और लेसिस कौन सा है, एक्लिप्ड। दो ही है हमारे पास, स्टैगर्ड और एक्लिप्ड, एक ज़्यादा स्टेबल है, एक कम स्टेबल है, यानी स्टैगर्ड क्या है, ज़्यादा स्टेबल है, एक्लिप्ड कम स्टेबल है, ये चीज़ भी याद कर लोगे, ओके। उसके बाद जो इनके बीच में एनर्जी का डिफरेंस है, स्टैगर्ड और एक्लिप्ड के बीच में जो एनर्जी डिफरेंस है, एनर्जी बैरियर है, वो होता है 12.55 किलो जूल पर मोल, ओके। ये एनर्जी लेवल डिफरेंस, एनर्जी का जो डिफरेंस है स्टैगर्ड और एक्लिप्ड के दोनों कन्फर्मेशन के बीच में जो एनर्जी है वो क्या है, 12.55। जो ये एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा स्मॉल है, क्या है, बहुत ज़्यादा स्मॉल है, यानी जो इनका इंटर कन्वर्जन है ना, इंटर कन्वर्ट हो रहे ना, स्टैगर्ड किस में कन्वर्ट हो गया, एक्लिप्ड में, स्टैगर्ड एक्लिप्ड में, एक्लिप्ड किस में आ रहा है, स्टैगर्ड में, यानी जो एनर्जी लेवल है हमारा ये 12.55, ये बहुत ज़्यादा स्मॉल है कि ये क्या नहीं कर सकता, रोटेशन को स्टॉप नहीं कर सकता, रोटेशन को स्टॉप नहीं कर सकता। अगर रोटेशन को स्टॉप नहीं कर सकता रोटेशन को, तो हमारे क्या हो रहे हैं, इंटर कन्वर्जन, क्या हो रहा है, इंटर कन्वर्जन हो रहा है ना, इंटर कन्वर्ट्स हो रहा है। इंटर कन्वर्जन का मतलब कि मेरा स्टैगर्ड एक्लिप्ड में जाएगा, एक्लिप्ड फिर स्टैगर में, स्टैगर फिर एक्लिप्ड में, ये क्या है, इंटर कन्वर्ट हो रहे हैं एक दूसरे में, ठीक है। तो एनर्जी का जो लेवल है, एनर्जी बैरियर भी बोलते हैं इसको, जो एनर्जी बैरियर की वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा स्मॉल है और वो हमारी रोटेशन को स्टॉप नहीं कर सकती। ये बात समझ आ गई, सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा होता है, स्टैगर्ड होता है। एनर्जी इन दोनों के बीच में जो एनर्जी है वो कितनी है, 12.55 किलो जूल पर मोल है, और जो ये एनर्जी की वैल्यू है, एनर्जी बैरियर है, वो बहुत ज़्यादा स्मॉल है, क्या है,
बहुत ज्यादा स्मॉल है, और ये जो एनर्जी है वो क्या नहीं कर सकती, रोटेशन को स्टॉप नहीं कर सकती। रोटेशन को स्टॉप नहीं करेगी तो इसका मतलब क्या है कि हमारा स्टैगर्ड एक्लिप्ट में, एक्लिप्ट स्टैगर में कन्वर्ट होता जाएगा। इसको हम बोलेंगे इंटर कन्वर्टेबल, कि एक दूसरे से कन्वर्ट हो रहे हैं। ठीक है, समझ आ गया। ओके, इस में आपको ये डायग्राम याद करना है, ड्रॉ भी करना है। अब देखो, जो हमने बोला कि स्टैगर्ड जो है वो ज़्यादा स्टेबल है एक्लिप्ट से, अब क्यों है उसका रीज़न देखेंगे, पेपर में आता भी है। तो देखो मैंने क्या बना दिया, ये स्टैगर्ड है, ये एक्लिप्ट है, स्टैगर्ड कॉन्फ़िगरेशन और एक्लिप्ट। अब इसके स्ट्रक्चर में ही आंसर छुपा हुआ है। क्या है? स्ट्रक्चर में ही आंसर मेरा छुपा हुआ है। इसमें देखो आप क्या करना है, हाइड्रोजन है, ठीक है, ये क्या है मेरी फर्स्ट कार्बन, इसके बैक में क्या है सेकेंड कार्बन। जो फर्स्ट कार्बन है ये, जो फर्स्ट कार्बन है ये वाली, और उसके जो सेकेंड वाले की हाइड्रो सॉरी कार्बन नहीं सॉरी हाइड्रोजन है, आई एम सॉरी सॉरी सॉरी। ठीक है, क्या है कि जो फर्स्ट कार्बन की हाइड्रोजन है ये वाली, और ये सेकेंड कार्बन की जो हाइड्रोजन है ये वाली, इन हाइड्रोजन्स के बीच में क्या है, गैप है। ये दोनों क्या है, एक दूसरे के दूर दूर है ना, ये क्या है दूर दूर है, फार फार है। ठीक है, तो दूर दूर है उसकी वजह से क्या होएगा, रिपल्शन कम होएगी, रिपल्शन क्या होगी कम होगी, समझ आ गई। लेकिन इसके केस में क्या है, जो कार्बन्स हैं मेरी सॉरी कार्बन की हाइड जो हाइड्रोजन्स हैं वो क्या है, एडजेसेंट कार्बन की जो हाइड्रोजन है वो बिल्कुल पास पास है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन पास है, ये हाइड्रोजन पास पास है। अगर हाइड्रोजन हाइड्रोजन पास है तो रिपल्शन क्या होगा, ज्यादा होगा, समझ आई। रिपल्शन ज्यादा होगा, एनर्जी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, इसकी एनर्जी लो होगी, इतना समझ आ गया। ये रीजन होता है सिंपल, यही आपको बताना है, यही एक्सप्लेन करना है। देखो, इन स्टैगर्ड कन्फर्मेशंस एनी टू हाइड्रोजन, कोई भी दो हाइड्रोजन ऑन द एडजेसेंट कार्बन एटम, ठीक है, यानी नॉन बॉन्डेड हाइड्रोजन्स क्या है, आर फार एज पॉसिबल, ये क्या है दूर दूर है, नॉन बॉन्डेड है ना ये दोनों, लेकिन ये क्या है दूर दूर है, ये भी नॉन बॉन्डेड है, इनकी कोई लिंक नहीं है क्योंकि ये दोनों कार्बन अलग अलग कार्बन की हैं। ठीक है, लेकिन इनके ये क्या है पास पास है, ये क्या है दूर दूर है। दूर दूर होने के कारण जो रिपल्शन का है, रिपल्शन क्या होगा मिनिमम होगा, रिपल्शन क्या होगा मिनिमम होगा। लेकिन एक्लिप्ट के केस में क्या होगा, जो हाइड्रोजन है वो एक दूसरे के क्लोज क्लोज है, ठीक है, क्लोज है तो क्या होगा, रिपल्शन हमारा ज्यादा होगा। समझ आ गया गाइस, इतनी चीजें समझ आ गई। रिपल्शन ज्यादा है तो एनर्जी भी क्या करेगी, राइज करेगी, इंक्रीज करेगी। जो डिफरेंस एनर्जी का मैंने आपको बता दिया, 12.55 किलो जूल पर मोल होगा, सॉरी ये पर मोल आएगा। ओके, उसके बाद दिस एनर्जी बैरियर इज नॉट लार्ज टू प्रिवेंट रोटेशन, ये चीज़ भी हम डिस्कस कर चुके हैं डायग्राम में, कि जो हमारी एनर्जी का जो बैरियर है 12.55 जो वैल्यू है वो बहुत स्मॉल है, लार्ज नहीं है कि वो अपनी रोटेशन को स्टॉप कर दे। रोटेशन स्टॉप नहीं करेगी तो एट रूम टेम्परेचर टू कन्फर्मेशंस आर रेडली इंटर कन्वर्टेबल, क्या करती हैं ये एक दूसरे से इंटर कन्वर्ट हो जाती है एक दूसरे में। इतनी बातें समझ आ गई होगी मे भी। ठीक है, ये हमारा पूरा कॉन्सेप्ट था इथ एन का, इसका था इथ एन का। अब नेक्स्ट हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे प्रोप एन का, सेम ही है इथेन और प्रोपेन, सेम है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है, बस क्या करेंगे कार्बन्स के नंबर इंक्रीज कर जाएंगे, कार्बन के एक हाइड्रोजन की जगह कार्बन लगा सॉरी कार्बन का मतलब मिथाइल ग्रुप लगा देंगे। ओके, यानी क्या ले लिया मैंने, सी 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 ये हो गया, तो ये क्या बन क्या होगा सी एच थ्री, ये क्या होगा एच 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 और दो एच, इसके साथ 3 H। ठीक है, ये मेरे पास क्या हो गया प्रोप एन हो गया, प्रोप मतलब तीन और एन का मतलब सिंगल बॉन्ड। ठीक है, अब देखो उसमें हमारे पास दो कार्बन थे, एक हमने फिक्स कर लिया था, अब हमारे पास तीन कार्बन है, तो कार्बन तीन है तो एक को हम क्या करेंगे फिक्स कर देंगे, इसको
या तो वन को कर लो या फिर टू को कर लो। एक को क्या करेंगे, फिक्स करेंगे। मैंने सी टू को क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। तो हमारे पास सेम क्या होएगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ कॉन्फिग्रेशंस बनेगी। इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ क्या बनेगी, कॉन्फिग्रेशंस बनेंगी। इनफाइनाइट कॉन्फिग्रेशंस बनेंगी, लेकिन स्टेबल तो दो ही होती है। सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट होती है वो क्या है, दो ही है, एक स्टैगर्ड और एक एक्लिप्ड। इतनी बातें समझ आ गई। अब सेम चीज वही बनाएंगे डायग्राम। अब क्या है, एक हाइड्रोजन कम, मतलब ये हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन होती थी, लेकिन अब क्या आ जाएगा, CH3। बस यही डिफरेंस आपको याद रखना है। उस डायग्राम में क्या था, देखो, एक हाइड्रोजन, दो, तीन, फर्स्ट कार्बन के तीन हाइड्रोजन यहाँ, यहाँ और यहाँ, ठीक है। जो बैक साइड में कार्बन है उसकी एक, दो, तीन, ये हाइड्रोजन्स थी, है ना। अब हमारे पास क्या है, दो हाइड्रोजन, सॉरी, दो कार्बन तो हमने ऐसे शो कर दी। अब एक हाइड्रोजन की जगह क्या है, हमने लगा दिया CH3। समझ आ गया। तो तीन कार्बन्स हो गई हमारे पास, ठीक है, तीन कार्बन्स हो गई, एक ये, एक ये और एक ये। ये हमारे पास स्टैगर्ड बन गया, ये एक्लिप्ड बन गया। समझ आ गया गाइस। उसके बाद देखो क्या है, स्टैगर्ड सेम चीज, ज्यादा स्टेबल होता है, ज्यादा स्टेबल होता है। जो एनर्जी डिफरेंस है वो कितना होता है, 12.2 किलो जूल पर मोल। यानी जो मेरा क्या था, इथ एन था, उसका कितना था, 12.55, यानी इससे ज्यादा है ना। इससे एनर्जी डिफरेंस क्या है, ज्यादा है। अब क्या बोलोगे कि इसकी एनर्जी का लेवल तो, मतलब डिफरेंस जो है वो ज्यादा हो गया, तो ये क्या करेगा, रोटेशंस को स्टॉप कर देगा जी। लेकिन ऐसा नहीं होता, जो रोटेशंस को स्टॉप कर दे उसके लिए हमें बहुत ज्यादा अमाउंट में एनर्जी चाहिए होती है, जो ये सेटिस्फाई नहीं करता। यानी हमारी 14.2 किलो जूल पर मोल जो एनर्जी है ना, वो भी स्मॉल है, वो भी क्या है, कम है, रोटेशंस को स्टॉप करने के लिए। ये भी क्या करेगी, स्टॉप नहीं करेगी। और हमारा जो स्टैगर्ड है वो एक्लिप्ड में, एक्लिप्ड है वो स्टैगर में कन्वर्ट होते रहेंगे। समझ आई। एनर्जी जो डिफरेंस है वो इथेन के कंपैरिजन में ज्यादा है, लेकिन रोटेशन को रोक दे इतना ज्यादा नहीं है। गाइस, अब नेक्स्ट देखो, सेम चीज वही आ गई कि क्या है, एनर्जी मैंने ये बता दिया, बहुत स्मॉल होती है, वो रोटेशन को स्टॉप नहीं कर सकती। ये क्या है, इंटर कन्वर्टेबल होते हैं। समझ आ गया। हमने आज क्या कर लिया, इथ का कर लिया, इथेन का कर लिया और प्रोप एन का कर लिया। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे कॉन्फिग्रेशन ऑफ एन ब्यूट एन। ओके गाइस, होप आपको समझ आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ऑन आवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू।